अगर हम चाहें तो अपने छोटे छोटे टिप्स और जुगाड़ से हम चाहें तो अपने घर अपने किचन के काम को एकदम आसान बना दें, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारी ये छोटी छोटी सी टिप्स कितनी कमाल की है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। तो अगली टिप्स हमारी इस तरह के जो है कि छन्नी और आटे को लेकर के है। अक्सर क्या होता है कि जब हम इस तरह के बाउल में हम आटे को छानते हैं तो आटे एकदम गिर करके एकदम पूरी जगह में गंदे हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी टिप्स है कि आप किस तरह से जो है कि बाउल में आटे को छानेंगे कि आटे बिल्कुल गिरेंगे नहीं। बस इस तरह से क्या करना है, हमने आटे ले लिया है और इस तरह से हमें यहाँ जो है कि आटे को रख लेना है और इसके बाद आपको इस तरह से आटे को छानना है। देखिए जिस तरह से मैं छान रही हूँ, एकदम से आटे बहुत ही अच्छी तरह से छन जा रहे हैं बाउल में और गिर भी नहीं रहे हैं। तो ये देखिए पूरे जो है कि आटे हमारे बहुत ही अच्छे से जो है कि छन चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल गिरे नहीं हैं, एकदम से गंदा नहीं हुए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सी टिप्स है, आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए और आप भी इस तरह से बाउल में आटे को छान सकते हैं। तो ये देखिए हमने बहुत ही अच्छे से हमने जो है कि आटे को छान लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए एकदम से कहीं नहीं गिरा हुआ है आटा, कहीं भी गिर करके गंदा नहीं हुआ है। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया सा टिप्स है, जब भी आपको बाउल में आटा छानना हो तो इस तरह से आप छान सकते हो। और इस जगह का यहाँ का मैं आपको जगह भी दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। तो आई होप ये भी टिप्स आपको अच्छी लगी हो, अगर ये टिप्स अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगली टिप्स हमारी इस तरह के जो है कि ग्रेटर को लेकर के है। अक्सर क्या होता है ना कि इसे ग्रेट करते करते जो इसके जो है कि दांत हैं बिल्कुल चिकने हो जाते हैं और फिर हम जब ग्रेट करते हैं ना तो ये अच्छे से ग्रेट नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से जो ये इसके धार हैं आप इसको कैसे चोक करोगे कि वे वापस से जो है कि पहले जैसा हो जाए। बस आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक पत्थर ले लेना है। बस ये पत्थर आपको कहीं भी मिल सकता है, मिल जाएगा आराम से, या तो सबके घर में भी पड़ा होता है। बस इस तरह से आपको इस तरह से करना है। जब आप इस तरह से आप इसको करोगे तो आप देखना कि बहुत ही अच्छी चीज़ें भी धार हो जाएगी, बिल्कुल एक चोट हो जाएगा और वापस से आप जब इसे ग्रेट करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिर से ग्रेट करने लगेगा। ये टिप्स बहुत ही बढ़िया है, इस टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। अगली टिप्स हमारे इस तरह के जो है कि कांच के चूड़ियों को लेकर के है। तो अगर जब भी हम कहीं जाते हैं हमें चूड़ियाँ ले जाना होता है पैक करके, तो हमें सोचना पड़ता है कि ये कांच की चूड़ियाँ हैं, हम कैसे रखें कि ये चूड़ियाँ हमारी सेफ रहें और टूटे ना। तो बस इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी टिप्स है कि इस चूड़ियों को आप कैसे जो है कि पैक करके ले जाएं कि आपकी चूड़ियाँ टूटे ना। तो बस एक छोटी सी टिप्स है, बस आपको क्या करना है, इस तरह से एक जो है कि रबड़ ले लेना है। तो आप कई रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, अक्सर घर में पड़े होते हैं, एक दो तो हमारे पास रबड़ नहीं होते हैं, बहुत ही सारे रबड़ होते हैं। तो इस तरह से आपको रबड़ ले लेना है और बस क्या करना है, इस तरह से जो है कि चूड़ियों को हमें रबड़ को पहना देना है। आपको दिख रहा होगा इस तरह से आप जो है पहना लोगे। तो इस तरह से जो है कि चूड़ियों को आप पैक करके कहीं भी आप ले जा सकते हो, आपकी चूड़ियाँ न तो टूटेंगी और न तो फटेंगी, बहुत ही आराम से एकदम सेफ रहेंगी चूड़ियाँ और आराम से आपकी चूड़ियाँ चली भी जाएंगी। तो आई होप ये भी टिप्स आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले टिप्स की ओर। अगली टिप्स हमारे इस तरह के जो है कि माचिस के बॉक्स को लेकर के। अक्सर क्या होता है कि जब हम माचिस का जो तिल्ली होता है ख़त्म होता है तो हम बॉक्स को फेंक देते हैं। अक्सर क्या होता है, इस बॉक्स का भी हम अच्छा यूज कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो अक्सर ये जो है कि हम तेल का इस्तेमाल करते हैं और हमारे गैस में, तो गैस जब हम जलाते हैं तो अक्सर हम लाइटर का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे लाइटर जब ख़राब हो जाते हैं तो हम इस माचिस का यूज वहाँ करते हैं। तो जो इसकी तिल्ली होती है तो हम जला करके हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी गंदगी फैलती है।
अब मान लीजिए लाइटर ख़त्म हो गया तो हमें दिन भर में पता नहीं कितने बार गैस जलानी है किसी भी काम के लिए, तो हमें इस तिल का ही उपयोग करना पड़ेगा। और जो एक एक तिल हम फेंकते हैं तो वो सारी गंदगी ही होती है। तो बस उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी टिप्स है, आई होप आपको पसंद आए। बस आपको क्या करना है, तो बस यहाँ मैंने ले लिया है टेप और टेप को हम काट लेंगे। जितनी आपकी माचिस है उतना ही बड़ा आपको टेप लेना है। इस तरह से हमने टेप को काट लिया और यहाँ आपको क्या करना है, इस माचिस पे इस तरह से इसको पहले चिपका देना है। फिर इसी तरह से हम दूसरा भी उतना ही बड़ा काटेंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें सीधा चिपका देना है इसके ऊपर। इसके ऊपर से हम ये जो ये तो खाली वाली डिब्बी है ये भरी हुई है, इसके ऊपर से हमें इसे चिपका देना है इस तरह से। और देखिए टेप से ये बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाएगी। तो ये देखिए दोनों माचिस अच्छे से जो है कि चिपक चुकी है। बस आपको क्या करना है, आप ये काम मैंने टेप से किया है, आप चाहें तो जो है कि फेविकोल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये खाली वाली डिब्बी है और यहाँ देखिए ये जो है कि भरी वाली डिब्बी है। तो बस ये भरी वाली डिब्बी है। इस तरह से आपको एक तेल निकाल लेना है और इस तरह से आपको बंद करना है और इस तरह से आपको जला लेना है। इस तरह से आप जलाओगे, अपना काम करोगे, फिर इसको आपको बुता लेना है। और यहाँ जो खाली वाली डिब्बी है, इस तरह से जो आपने जो है कि तिल को जला लिया है, अब ये तिल बेकार है तो आप जो खाली वाली डिब्बी में इस तरह से जो है कि जली हुई तिल को डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके इधर उधर कचड़े होंगे, जो आप इधर उधर जला करके फेंकोगे, तो आप इस डिब्बी के अंदर डाल दोगे, कहीं आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें जलाई हुई को इसमें डाल सकते हो। इस तरह से कचड़े होने से आप बचा सकते हो। तो आई होप ये भी टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी हो। टिप्स अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये माचिस वाली भी टिप्स कैसी लगी। अगली टिप्स हमारी इस तरह के जो है कि सोच को लेकर के है। कभी काल के क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो सूज उनकी थोड़ी सी छोटी होने लगती है, तो ये सूज बच्चों को जब पैर में डालते हैं तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जल्दी सूज हमारे अंदर जो है कि पैरों में नहीं जाती, तो उसके लिए मेरे पास छोटी सी टिप्स है। अगर उस टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आप भी जो है कि छोटी भी सूज को बहुत ही आसानी से आप पहन सकोगे। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक चम्मच ले लेना है और इस तरह से क्या करना है जो है कि हमें सूज के पीछे लगा देना है। अब इस तरह से हम जूते को आसानी से पहन सकेंगे। ये देखिए आपने देखा ना कि इन छोटे से भी छोटे सूज को चम्मच की हेल्प से आप बहुत ही आसानी तरीके से जो है पहन सकते हैं। ये टिप्स बहुत ही कमाल की है, इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये टिप्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे न्यू है यानी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और वीडियो का मैं यहीं पे दे एंड करती हूँ और ऐसे ऐसे नए नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।